हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ पढ़ रहे होंगे अच्छे से। हमने अब तक 5 महाद्वीपों की जानकारी प्राप्त कर ली है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। बचा हुआ महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी जानकारी आज हम लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको मोटी मोटी जानकारियां दे देता हूँ अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ये भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर आप जानते हैं, इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। भूमध्य सागर से सटा हुआ, जो भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करता है। उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व में यह है लाल सागर हमने पहले भी पढ़ लिया, अब फिर देख रहे हैं एक बार लाल सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य एक छोटी सी कृत्रिम झील बनाई गई है, जिसका नाम है स्वेज नहर। इसका आपकी पुस्तक में बहुत महत्व है, स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जिस पर अधिकार है मिस्र का, ये देश है मिस्र। यहां से पूरा एशिया पड़ता है, आप जानते हैं ये अरब प्रायद्वीप है। यहां पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां देखते हैं, यहां पर है हिंद महासागर। यहां हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर अफ्रीका को अन्य देशों से या अन्य महाद्वीपों से अलग करते हैं। नीचे अंटार्कटिका महासागर है, जिसके बारे में अध्ययन नहीं करना हमें। अब बात करते हैं इसके देशों की। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश, अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं। सभी देशों को हम नहीं पढ़ा सकते, आप भी जानते हैं इतने देशों को पढ़ाएंगे तो अब बोरियत सी लगने लगेगी। 55 देशों में मुख्य मुख्य देश मैंने यहां बनाने का प्रयास किया है, आशा करता हूं आपको समझ में आएंगे। 55 में से 49 देश महाद्वीप के अंदर अंदर स्थित है, 49 देश महाद्वीप के अंदर, और 6 देश द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब द्वीपों पर स्थित है, अलग अलग जगह। यहां पर एक द्वीप है हिंद महासागर में, जिसका नाम है सेसल्स, सेसल्स द्वीप। इस द्वीप का नाम सेसल्स द्वीप है, जो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। तो आप पूछेंगे, सर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन सा लग रहा है आपको सबसे बड़ा देश? ये देश अफ्रीका का सबसे बड़ा है, एएल मतलब अल्जीरिया। इसमें अफ्रीका की एक पर्वत श्रृंखला है अल्जीरिया में, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस। एटलस पर्वत कहां है? अल्जीरिया में है। अल्जीरिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल। किस पर्वत की? एटलस पर्वत की। इनके प्रमुख देशों की अगर जानकारी ले तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं उत्तरी जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, लाल लाल डॉट डॉट में मेरा दिखाया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम है सहारा का मरुस्थल। इसमें बहुत सारे देश हैं, उनकी जानकारी हम नहीं लेंगे, कुछ प्रमुख देशों की लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, NI मतलब नाइजीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। यहां पर एक देश है कंबोडिया,
इससे नीचे चलते हैं, इससे नीचे यहां पर एक देश है गेमोन। गेमोन के पास में यहां एक देश है जिसका नाम है कांगो, और यह रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो नाम से दो देश हैं, एक कांगो एक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाल लाल में, इसे कहते हैं कालाहारी का मरुस्थल। इस मरुस्थल पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। एक जानकारी और आपको दे दूं, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप है एशिया, एशिया के बाद में आता है अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां पर तीन देश प्रमुख हैं। एक ETH मतलब इथियोपिया, एक है SOM मतलब सोमालिया। एक यहां छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल गोल मैंने छोटा सा बनाया है, इस देश का नाम है जिबूती। तीन देश अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में हैं। इन तीनों देशों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां अफ्रीका का सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है क्योंकि घास के मैदान हैं, नदी भी आ रही है, नील नदी इसके पास में से बहती है। यहाँ झीलों की बातें भी हम करेंगे। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। नीचे की तरफ चलते हैं, ज्यादातर आबादी दक्षिणी अफ्रीका की तरफ बसी हुई है। नीचे एक देश है साउथ अफ्रीका, जिसे हम कहें दक्षिणी अफ्रीका। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप कालाहारी मरुस्थल दिखाई दे रहा है, कालाहारी मरुस्थल केवल एक देश में ही नहीं है, प्रमुख रूप से यह बोत्सवाना में है। बोत्सवाना के बाद में नामीबिया और नीचे साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में, थोड़ा सा नामीबिया में, और पूरी तरह से बोत्सवाना में स्थित है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहां पर एक देश है मोजाम्बिक, एम मतलब मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के पास में इंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का नाम मैं कई बार बता चुका हूं, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के पास में ही एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस बहुत खूबसूरत देश है। अगर दुनिया की सभी जातियों और सभी सभ्यताओं को जानना हो तो आप मॉरिशस घूम कर आइए। यहां पर सारी सभ्यताएं आपको मिल सकती हैं, सभी सभ्यताओं के लोग निवास करते हैं। माना यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भारतीय मुल्क के होते हैं। अब बात करते हैं, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलकर जाती है, वैसे तो तीनों झीलों से निकलती है, यहां एक झील है जिसका नाम है मलावी झील। मलावी झील के बाद में ऊपर एक झील और है, झील का नाम है टंगनिका झील। ये देश है TN का मतलब है तंजानिया।
तंजानिया के सीमा के सहारे सहारे दो झीलें हैं, मलावी और टंगनिका झील। इनका पानी पहुंचता है विक्टोरिया झील में, और विक्टोरिया झील में से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। इस नदी का नाम है नील नदी। नील नदी जो काहिरा, यहां पर काहिरा नामक स्थान पर भूमध्य सागर में मिलती है, यहां अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है ये नदी। नील नदी के अंदर ही ये सूडान है, इस देश का नाम है सूडान। सूडान दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। इनको पार करते हुए नदी मिस्र में जाती है और मिस्र में एक झील बनाती है। मिस्र में जाकर ये एक झील बनाती है, इस झील का नाम है नासिर झील। इस प्रकार से चार प्रमुख झीलों के बारे में हमने जाना, मलावी झील, टंगनिका झील, विक्टोरिया झील और इसके बाद में आती है नासिर झील। अब बात करते हैं हम, यहां एक छोटा सा देश है युगांडा। युगांडा से होकर यह नदी निकलती है जो इथियोपिया के बिल्कुल पास में से है। इथियोपिया में ही यह झील, इसको पार करती हुई यह नदी अपना मुहाना बनाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब इस महाद्वीप में एक सबसे महत्वपूर्ण, 12वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक रेल मार्ग है, के मतलब केप टाउन। केप टाउन से लेकर काहिरा तक, ये देखो केप टाउन से जाती हुई डॉट डॉट में दिखाई हुई, यहां टंगनिका झील के पास खत्म हो जाती है, विक्टोरिया झील से फिर शुरू होती है और पहुंच जाती है काहिरा तक। केप टाउन और काहिरा, इन दोनों के नाम पर ही इस रेल लाइन का नाम पड़ा है जिसका नाम है केप काहिरा। अभी यह अधूरी है, पूरी बनने पर विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन होगी जिसका नाम होगा केप काहिरा रेल लाइन। केप काहिरा रेल लाइन केप टाउन से निकलती है और आगे जाती है किम्बरले। के का मतलब किम्बरले, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, बुलावाया, बुलावाया बोलते हैं इसको, बुलावाया होती हुई टंगनिका झील के पास रुक जाती है। इसमें से एक रेल लाइन नीचे की तरफ निकलती है। ये रेल लाइन कोस्टी खार्तून, कोस्टी उत्तरी दक्षिणी सूडान में, खार्तून उत्तरी सूडान में, मिस्र में अस्वान होती हुई काहिरा तक जाती है। इसको मिलाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रमुख चीजें हैं जो आपसे अफ्रीका महाद्वीप में पूछ सकता है। एक सबसे बड़ी बात इस महाद्वीप की, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, जिसको हम कहें 0° रेखा, भूमध्य रेखा पर इसका एक और देश बसा हुआ है जिसका नाम है साओ टोमे। साओ टोमे ऊपर से निकलती है, ऊपर से निकलती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे की तरफ से निकलती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं, तीनों ही नहीं चौथी और रेखा गुजरती है। 0° देशांतर रेखा भी इस महाद्वीप में से गुजरती है। विश्व समय मापक रेखा कहा जाता है। इसलिए चारों प्रमुख रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ज्यादा अगर मैं लंबा इस वीडियो करूंगा, बहुत कुछ जानकारियां अभी बहुत बाकी हैं इस महाद्वीप की, लेकिन अधिक लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता। मैंने क्वेश्चन किया था
यूरोप महाद्वीप से कि पांचवा देश कौन सा है, वो है आइसलैंड। पांचवा देश आइसलैंड है किसका, ये मेरे क्वेश्चन में आप देखिएगा। आज का क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े, एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, आप कमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके मुकाबले आप तीन गुना अधिक मेहनत कीजिए। आपके काम में आने वाली चीजें हैं सभी, आप पढ़िए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।